राधे हरे कृष्णा। यहाँ पे मेरे पास चार बेलपत्र हैं। बेलपत्र चार है, मेरे घर के पास पेड़ था, श्री धाम वृंदावन वाले घर के पास ही पेड़ है। तो चार बेलपत्र हैं, इनमें से चारों में से एक जो बेलपत्र है वो सही अवस्था में है, बाकी सब खंडित है। चलिए लेट मी शो यू। ये देखिए, यहाँ से टूटा हुआ है, कटा हुआ है, छटा हुआ है, ये खंडित अवस्था का बेलपत्र है। इसको अलग निकाल देते हैं। यहां से टूटा हुआ है, यहां से टूटा हुआ है, बाकी पूरा सही है, लेकिन फिर भी एक पत्ता टूटा हुआ था, ये भी खंडित अवस्था का बेलपत्र है। पूरा बेलपत्र एकदम सही है, लेकिन बेलपत्र में एक छेद हो रहा है जो यहां से हो रहा है, अर्थात ये भी खंडित अवस्था का ही बेलपत्र बोला जाता है। अब जो ये बेलपत्र है एकदम सही बेलपत्र है, आप देखोगे कहीं से भी खंडित अवस्था का नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा धारियां भी नहीं है, सिंपल सिंपल, जिसमें बहुत सारी धारियां, जिसकी ये जो धारी है बहुत कम धारी होती हैं, वो बेलपत्र सबसे अच्छा माना जाता है। अब ये बेलपत्र को चढ़ाने का सही तरीका क्या है वो बताती हूँ। बेलपत्र आपको लेना है और आपको बेलपत्र शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाना है। मान लीजिए कि ये आपकी, फॉर एग्जाम्पल, ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र ऐसा नहीं चढ़ाओगे। बेलपत्र चढ़ाने की जो स्थिति होती है वो ये होती है, बेलपत्र हमेशा ये चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही के साथ जब हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वो 21 दिन तक पुराना नहीं होता। अगर किसी के पास बेलपत्र नहीं तो वो इस बेलपत्र को उठा के धो के दोबारा से यूज कर सकता है। साथ ही के साथ जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र का उपयोग करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको पहले पंचामृत से अभिषेक करना है, उसके बाद बेलपत्र का उपयोग करना। हम लोग, कुछ लोग कहेंगे कि दीदी ये जो खंडित बेलपत्र है अगर हम इसकी एक टहनी तोड़ दें तो दो पत्ती यूज कर ले, तो नहीं, इस बेलपत्र को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो बेलपत्र होना चाहिए ना वो तीन पत्तियों का ही होना चाहिए, जैसे कि जिसमें तीन पत्तियां हैं लगा। पांच का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तीन का तो कम से कम हमेशा हो। भगवान शिव का स्वरूप समझा जाता है इसको, विष्णु भगवान का स्वरूप और ब्रह्मा जी को, त्रिदेवताओं का स्वरूप इस बेलपत्र को समझा जाता है। जिसमें एक पत्ती होती है वो बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, जिसमें दो पत्तियां होती हैं वो बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। श्री धाम वृंदावन वाले घर के पास था ये, मेरे पास बेलपत्र का पेड़ है, तो मेरे को लगा कि भैया तुम लोगों को भी ये सारी बातें बता दूं तो सही रहेगा। बेलपत्र को धो के भी चढ़ाया जा सकता है, डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के भी चढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को आपका ध्यान रखना है। राधे राधे, शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।